हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आई एम सोनिया सक्सेना। यस गाइस, सो कैसे आप सब लोग? ये है एक्चुअली आई एम वेरी लेट फॉर दिस व्लॉग। यस, मैं व्लॉग बहुत लेट में डाल रही हूँ। सो बनारस में हूँ। बीच में जो मैंने अभी लास्ट में व्लॉग डाला था, ये उसकी क्लिप रह गई थी, तो मैंने सोचा चलो मुझे ठीक लग रही थी, अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसको इस व्लॉग में इंक्लूड कर दिया है। कोटा पहुँचने जस्ट पहले का है ये। सो यहाँ पे ये ब्रांडी है। एक्चुअली पता नहीं मुझे डालना चाहिए था या नहीं, बट मैंने डाल दिया। ये ब्रांडी नानी के लिए आई थी, और ये देखिए मैं ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये ओपन नहीं हो रही थी मुझसे। फिर मैंने फाइनली हार मान के इनको जो है बुला लिया। फाइनली अब ये खोलेंगे, और आज ये बना रहे थे लच्छा पराठा सबके लिए। सो बस आप इंजॉय करिए और देखिए कैसे लच्छा पराठा बनाते हैं। और इस ब्रांडी को ओपन भी कराती हूँ मैं अभी। अच्छा तो तुम जो है अम्मा से पूछ लो, बैंक से पूछ लो। कैसे खोले यार? ये दारू की बोतल है, इसे कैसे निकलेगा? बस ऐसे निकलेगा, थोड़ा थोड़ा। ये शराब दिखाना कहीं सही है कि नहीं? अरे पहले ये बताओ कहाँ गया चाकू? मैंने ये सुन सा बसुन प्यार दिलुन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ नानी के लिए। थोड़ा सा वो पीती क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और उनकी एज काफ़ी हो गई है, तो उनको अंदर से गर्म रखने के लिए, क्योंकि उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा, मतलब ठंड में जानते हो बुजुर्गों का बहुत बुरा हाल होता है, तो उनको थोड़ा सा मतलब लगभग एक दो ढक्कन डाल कर उसमें पानी मिला। काजल दिखाओ, काजल पीने जा रही है। ये बन रहा है लच्छा पराठा। ये देखो एकदम बढ़िया वाला, ये कट किया बढ़िया एकदम, ऐसे हम लोग मटरी बनाते हैं। अच्छा बेलन नहीं चलाना है ना? बेलन चलाने पर लच्छा नहीं बनता। फिर फटाफट 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 फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या तावे पे गुड समर में सीखती हूँ। सड़ा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है उधर देखो बाबू। सुनो सुनो है जहाँ, अरे वाह देखो सूरज कितना प्यारा लग रहा है।
आगे आगे चलो 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 चलो। यूपी में दिखा रहा है क्या? यहाँ पे 3.5 है। अरे यार है वहीं पे प्ले जोन। गलत बात है भाई, डर भी लगता है ऐसे। बंद कर देते हैं। यहाँ पे एक एक्सीलेटर जरूर बंद रहता है ना, हमेशा यही वाला बंद रहता है। अच्छा है बाबू को लेके नहीं आ रहा हूँ। मिनीशो जैसा है क्या? हाँ मिनीशो जैसा है, मिनीशो जैसा ही तो है। मिला अच्छा, बाबू के लिए टंग क्लीनर लेना है। ये अच्छा है, ये देखो छोटू वाला है ना, ये प्यारा है, ये ले लेते हैं। कौन सा कलर अच्छा लगेगा है? अच्छा लग रहा है ना, रेड भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें फिंगर अच्छा, सब में फिंगर ओपन है। अच्छा है, पर्पल वाला सही है, पर्पल वाला सही है। ब्रश मानसी अच्छा सा सेलेक्ट करो, बहुत सारे हैं देखो ब्रश, ये छोटे वाले, ये पर्पल वाले देखो कैसा है। हाँ प्राइस इसमें नहीं। हाँ ये रखें भैया, ये भी बॉटम ही है क्या? 749 इसी का है। ये लो पेन है, फ्लावर पेन भी मिलते हैं ये सारे। इसमें पेंसिल्स भी हैं क्या? पेंसिल्स नहीं है, इसमें पेंसिल्स नहीं है, बच्चों के लिए छोटे नहीं, कलर पेंसिल्स नहीं। ये सारी पेन है सारी, ये भी छोटे बच्चों के लिए नहीं है क्या? ये क्या है? पेन है ये, ओपन कैसे होता है? सिपर तो किसके लिए ले रही है? बाबू के लिए नहीं है पेंसिल। दीदी देखिए
पाउच जैसा और छोटा हो जाता बड़ा। दो कैपेचिनो, एक आपका एक मेरा। मेरा बड़ा है कि छोटा? ये किसका है? पता नहीं हेज़लनट। ये छोटा बड़ा क्यों है? ये क्या? आपने स्मॉल साइज लिया है क्या? हाँ स्मॉल साइज एक आता है, फुल साइज।
सो फ्रेंड्स, ये है मनुष्का का ब्रेकफास्ट, बड़ा पाव और ब्रेड पकौड़ा। तो मैडम बैठी हुई है, मैंने उन्हें दे दिया है। हाँ, सो उसने ही खाना था, खा दिया। फिर उसके बाद हम लोग गए MBA चाय वाली के पास, क्योंकि हमें मुझे पीनी थी MBA चाय वाली की चाय। यहाँ पर हो रहा है सिंगिंग, यस, जैसे कि मुंबई वगैरह में नहीं होता है कि रोड पे ही सिंगिंग का एक स्टेज बना देते हैं और सिंगर को बुला लेते हैं और फिर खूब धमाल होता है रोड पर ही। तो वैसे ही कुछ था और बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी, बट मुझे तो चाय पीनी थी। आपका मस्का आ गया हमारी चाय। अरे अरे वाह वाह, वो बटर, हाँ लो बटर है, बटर या चीज़ जो भी हो। नहीं नहीं, मैं तो मत, बाबू को नहीं दो, बाबू को नहीं, नहीं ना 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 ना, नहीं मैं बस ऐसे ही बना रही हूँ। नहीं, आपका टेस्ट अच्छा है। मेरी चॉकलेट चाय मैं दोबारा पी रही हूँ, पहले मैंने कुल्लड़ में पी थी, वहाँ की स्पेशल MBA स्पेशल चाय। उसके बाद हम लोग घर आए और डिनर वगैरह करने के बाद, कल हमारी इस मॉर्निंग में ट्रेन थी 11 बजे के अराउंड। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मैं और दीदी दोनों लोग बना रहे हैं बाजरे की टिक्की। मीठी जो होती है, गुड़ की बनती है, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत डिलीशियस लगती है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बना लेते हैं सफ़र के लिए। बस वही बना रहे थे, रात को हमने बनाई और दीदी ने लाई की नमकीन बनाई। देखिए हमारी टिक्की लगभग रेडी हो गई है। ये लाई वाली नमकीन मैं खा रही हूँ जो दीदी ने बनाई थी, और ये है इसमें बहुत सारे बिस्किट्स बन। और मैंने खाना नहीं खाया था दोपहर में, तब मैं सोच रही हूँ खाना भी खा लेते हैं। सो मटर की पूरी, अचार मिर्ची का और पराठा और सब्ज़ी लाए थे, तो मैंने अभी फ़िलहाल मटर की पूरी, अचार और सब्ज़ी खाई थी। और उसके बाद हमें दोपहर का लंच भी करना था और फिर डिनर भी करना था। सो बस यहाँ पर मैं आने के बाद थोड़ा सा मैंने खाया, टाइम हो रहा था अराउंड 12:15, और पूरा दिन इसके बाद मैंने कुछ भी वीडियो नहीं शूट किया। और हम लोग पहुंच गए हैं इलाहाबाद। हमारी ट्रेन जो है 6 से 7 घंटे लेट थी और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। देखिए मनुष्का ने, मनुष्का को पूरा कवर कर रखा है, इतना ज़्यादा कोहरा था। ये स्टेशन का है इलाहाबाद स्टेशन का। इलाहाबाद आ गए, और मैं पी रही हूँ ब्लैक टी। फ्रिज व्रिज साफ कर ली, पूरा क्लीन व्लीन कर लिया है, चाय बनाई, मैगी बनाया, मनुष्का ने मैगी खाई, मनुष्का के पापा ने मैगी खाई, मनुष्का के दादाजी की फोटो। सो अब हम लोग चाय पी रहे हैं। दूध आएगा 10:30 तक, तो 10:30 तक दूध आएगा, तो उसके बाद दूध वाली चाय पीने का मन होगा। तो अभी मनुष्का की 5:30 से क्लास है, ऑनलाइन क्लास कराऊंगी, क्योंकि क्लास शुरू हो गई थी इनकी 3 से ही, बट हम लोग बाहर थे तो क्या हो गई, इसलिए हम लोग क्लास नहीं कर पाए। और बस मनुष्का ने मैगी खाई, मैंने बिस्किट खाया, ये नट्स वाले मैं लेके आई थी कोटा से। कोटा में बहुत अच्छे अच्छे ओट्स के बिस्किट मिलते हैं, जो कि यहाँ जो कि इलाहाबाद में नहीं मिलते हैं। तो ये मैं लेके, देखो इसमें सीड्स हैं, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था। ये अलसी जो नहीं आती वो है भुनी हुई, तो इस तरह के मैं ओट्स के कई सारे बिस्किट लेके आई, क्योंकि वहाँ से बिस्किट बहुत अच्छे मिल जाते हैं, यहाँ पर तो वैरायटी नहीं मिलती इतनी अच्छी। और मैंने एक न्यूट्रेला ब्रेड खाया, देखिए फिर सफर में लेके आई थी मनुष्का के लिए, बट मनुष्का खाई नहीं, तो मैंने एक अभी खाया, एक अभी बचा हुआ है, बाकी तो ट्रेन में यूज हो गया। इसमें गोला गोला नट्स है, जो ये इसमें अंदर है ना, ये नट्स है इसमें, ये वाइट वाइट नट्स है, नट्स हाँ ब्लैक वाला, वो सीड्स है। मत करो, चाय गिर जाएगी बेटा, देखो मत करना। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइज, दैट इज़ ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।